अचानक गांव में अजीब सा झगड़ा शुरू होता है। अगर गांव के लोग जगह देने को तैयार हैं, तो सरकार की ओर से गांव में न ला सकते हैं। मर्दों के झगड़े का नतीजा ये होता है कि औरतों के फायदे की इस योजना को ठुकराया जाता है। औरतें तो अब गवार रही नहीं, लिख पढ़ सकती हैं, तो वो क्यों ना ऐसे सरकारी फतवे को खुद पढ़कर उस पर गौर करें। अब औरतों को सरकारी कागज लाकर कौन देगा? औरतें भी कच्ची मिट्टी की बनी हुई नहीं है। गज्जू को मनाकर कागज तो उन्होंने हासिल कर लिया, जाकर पाटिल जी को समझाना ही होगा कि हमारे गांव में नल होने ही चाहिए, है कि नहीं? तू बोल ना लक्ष्मी। हाँ तो गज्जू जी, मैं हूँ गज्जू से। हाँ हाँ गज्जू से तो मैं हूँ। अरे थोड़ी देर के लिए मान लेना। हाँ बोल लक्ष्मी। हाँ तो मैं हूँ गज्जू सेठ। हाँ और ये है पाटिल जी। अच्छा ठीक है। और ये है जीवन चाचा। क्या बोली? बुआ जी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ना। तो गज्जू सेठ देखना, पाटिल जी कम से कम 3 महीने हमारी गांव की नदी सूखी रहती है और हम सबको गांव में पानी की बहुत जरूरत होती है। अब गर्मी में आपके कुएं का पानी भी घट जाता है। अब कुएं का पानी घट गया तो गंदगी और गंदगी से बीमारी, और हर गर्मी में यही हालत होती है। अगर हमारे गांव में नल का पानी आ जाएगा तो गर्मी में भी पानी बहता रहेगा। है मैंने ठीक कहा ना पाटिल जी? पानी कम हुआ तो गंदगी और गंदगी से बीमारी, हर गर्मी की यही हालत है। नल आएगा तो गर्मी में भी पानी बहता जाएगा। क्यों पाटिल जी, ठीक कहा ना मैंने? वो तो ठीक है, मगर जीवन चाचा तो जमीन का टुकड़ा देने के लिए तैयार ही नहीं। अरे गांव के नल के लिए तो मैं एक कदम भर भी जमीन नहीं दूंगा। हाँ मैंने एक बार कह दिया, अब किसी की नहीं सुनूंगा। और चाचा क्या कहेंगे? मैंने एक बार कह दिया है, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। देखिए चाचा, एक बार वो सरकारी कागज ठीक से पढ़ लीजिए। उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर किसी की जमीन का टुकड़ा लिया जाए तो पंचायत की ओर से उसे नुकसान भरपाई मिलनी ही चाहिए। इसमें साफ साफ लिखा है अगर किसी की जमीन का टुकड़ा लिया जाए तो पंचायत की ओर से उसको नुकसान भरपाई मिलनी चाहिए। अच्छा कमाल है। अरे ज्ञानबा ये बात तो हमें किसी ने नहीं बताई। अरे पाटिल जी आपने भी नहीं बताई। क्यों रे, तूने ये बात बताई क्यों नहीं? क्यों चाचा? मुझे नहीं पता, मैंने तो कागज पढ़ा भी नहीं है। हमने भी नहीं पढ़ा था, तो किसने पढ़ा था? छोटे पाटिल आपने तो पढ़ा था। मैंने पढ़ा जरूर था, लेकिन
लेकिन उसमें ये बात कहां लिखी थी? याद आया पाटिल जी, आपने तो आधा ही पढ़ा था और बाद में पाटलन जी ने खाना परोसा और आपको बुलाया। मैं सोचा खाना खाने के बाद पढ़ेंगे, लेकिन खाना खाने के बाद ऐसा लगा कि हमने तो ये पहले ही पढ़ लिया है, तो बाद में झमेला चालू हो गया और पढ़ने को टाइम ही नहीं मिल गया। तो भाई गज्जू, तूने नुकसान भरपाई की बात कहां पढ़ी? जी मैंने नहीं, गांव के और। अच्छा अच्छा, हम पंचों ने तो पढ़ी ही नहीं लेकिन गांव की और लोगों ने पढ़ी ये बात। क्यों जी, मैं ठीक कह रहा हूं ना? और जीवन चाचा, पानी की ये जमीन पुल के दोनों ओर के लोगों को देनी होगी। पाटिल जी, आप तैयार हैं? आप तैयार हैं ना पाटिल जी? तो जीवन चाचा, जमीन तो पुल के दोनों ओर के लोगों को देनी है, क्यों पाटिल जी, आप भी तैयार हैं ना? क्या मतलब? बिल्कुल, बेशक मैं जरूर दे दूंगा अपनी जमीन। अरे भाई, फिर तो झगड़े की बात ही नहीं रही। अब पुल के इस तरफ के नल के लिए मैं अपनी जमीन दे दूंगा, उस तरफ के नल के लिए पाटिल जी अपनी जमीन दे देंगे। ये तो बराबरी का मामला हुआ ना, क्यों भाई? ये बात ठीक है। तो अब झगड़ा खत्म, अब हाथ मिलाइए। तो पाटिल जी, मिलाइए हाथ। एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, ये गज्जू अचानक इतना होशियार कैसे हो गया? वो तो सारी और। अच्छा, मतलब औरतों ने पढ़ी ये बात? नहीं नहीं नहीं, नहीं। गांव की औरतों ने कुछ नहीं पढ़ा, वो तो कुछ और बात है। सासू जी, इस बार दिवाली में लक्ष्मी पूजन के दिन हम कथरीन की भी पूजा करेंगे। कथरीन की पूजा? लसनो क्यों, आप हंस क्यों रही है? ये कथरिया ही तो हमारे घर लक्ष्मी जी लाई है। दादी, वो शहर वाली जमुना चाची और चाचा आए हैं। शहर वाली जमुना चाची? अच्छा, जमुना चाची। अरे तो ऐसे बोलना। तो क्या कहा मैंने? नानी बहू जा अंदर, उनकी संदूकची में चाबी रखिए, चलिया। जमुना चाची? हाँ, वो रामदास की बीवी, शहर वाले रामदास की बीवी। हाँ बुआ, बहुत भले लोग हैं वो, शहर में महादेव को खाने पे बुलाती थी वो। मेरी माँ लगता है आ गए। ओ मेरी माँ, जमुना दीदी। अरे मेरी माँ, दीदी क्यों कह रही हूँ, उम्र में मैं तुझसे छोटी हूँ। हाँ, पर गांव के लोग शहर जाकर सयाने हो जाते हैं। अच्छा, तो क्या असली उम्र भी बढ़ जाती है? लाड़ी, नानी, नानी बहू आ रही, गुड़ पानी ले जल्दी से। अच्छा बता कैसी है? मैं अच्छी हूँ, तुम सब कैसे हो? बुआ जी, हमें पहचाना? मैं क्या इतनी बूढ़ी हो गई हूँ कि अपने वाले को न पहचानूं? अरे जितेंद्र, बुआ जी से प्रणाम कर। रहने दे, रहने दे।
हमें पहचाना? मैं रामदास। हाँ हाँ बस 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 नहीं रामदास। हाँ वो महादेव कैसा है, मिला था हाल में? अरे तेरी बहू परमेश्वरी जब से आई है उसे फुर्सत कहाँ। ये है नानी बहू, पहचाना? अरे क्यों नहीं पहचानूंगी, इसकी शादी में मैं नहीं आई थी क्या? क्यारी तेरा गणेश का नाटक छूटा या नहीं? कुछ खेती बाड़ी करता है या नौटंकी करते फिरता है? नहीं नहीं सिर्फ नौटंकी नहीं करता हूँ। गांव के बच्चे शहर वालों की तरह सरफिरे नहीं होते, माँ बाप का ख्याल करते हैं। लाड़ी चाचा जी को गुड़ पानी देना। ये लाड़ी है? तुम न बताती तो मैं न पहचानती इसे। अभी तो किसी रिश्ता नहीं आया, अब साड़ी पहना दो इसे। नानी बहू चाय का पानी रखा? हाँ रख दिया। अरे रुक्मिणी बैठो। इतनी सी थी जब शादी होके गई थी, इसकी शादी हुई और आप लोग शहर चले गए, अब इतने दिनों बाद बरसों बाद कहो लौटे हो घर। देखो ना क्या नसीब है, शादी का जोड़ा सारे गहने पहनकर हमारे साथ आई थी और अब जोगन बन के वापिस लौटना पड़ रहा। देवर जी के दवाइयों में तो सब चला गया। इतनी छोटी उम्र में ऐसा दुख किसी औरत को ना सहना पड़े। भाग होता है एक एक का। इसके आदमी की नौकरी का फंड आया तो पूरा कर्जा चुकाने में चला गया, अस्पताल का खर्चा भी क्या कम होता है। तुम लोगों ने अपने जमीन में हल चलाना ही छोड़ दिया है, कम से कम घर का अनाज तो आ जाता, इस बेचारी को पेट की चिंता तो नहीं रहती। लेकिन ये अकेली थोड़ी है, एक बेटा भी है और आम बच्चों की जैसे भी नहीं कि हम कहें बड़ा होकर माँ को संभाल ले। इन दोनों को तो हमें ही खिलाना है। क्यों रे बच्चे को क्या हुआ? क्यों आपने देखा नहीं, लूला है, 2 दिन बुखार आया बस दायना पैर ही चला गया। वही तो कह रही थी ना मैं, नसीब की बात है। हाँ सो तो है। नहीं रुक्मिणी ना रो ना, तुझसे ज्यादा दुखी लोग हैं, उनको देख। हमारे वो बोले इन दोनों को हमें संभालना है तो बाप ज्यादा की जमीन भी बेचनी पड़े तो कोई हर्ज नहीं। अपने स्वर्गीय भाई की पत्नी और उसके अपाहिज बच्चे की जिम्मेदारी लेना मेरा कर्तव्य। मैंने पाटिल जी से जो लिखा था उसमें मैं कसूर नहीं करूंगा। पाटिल जी बोले तू चिंता मत कर, तेरी छोटी भाभी मेरी अपनी बहू जैसी है, उसे और उसके बच्चे को खिलाना है तो मेरे से पैसे जरूर ले जा। पाटिल जी भी कितने दयालु। आलू आलू कौन बोते है यहाँ खेत में? आलू नहीं दयालु, दयालु। लोगों ने जंगल काट दिया तो भालू चला गया। बड़े लोग मन भी बड़ा, लेकिन हमने थोड़ी शर्म छोड़ी है। हमने इसे साफ बता दिया, कुछ भी हो मेरे देवर जी को किसी से मुफ्त में पैसा लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक कहा तुमने, बड़ा स्वाभिमानी था मेरा भैया, कह देता भैया मेरे हिस्से की जमीन दे दे पाटिल को और फिर पैसे ले ले, इतना स्वाभिमानी था। मुझसे कभी कोई चीज मुफ्त में नहीं ली और अब मुझे अकेला छोड़ के चला गए। छोटी के सामने तो ऐसा नहीं कहो आप, ये भी तो जानती है अपने पति की इच्छा। आप ना कहें तो भी इसने अपने हिस्से की जमीन आप ही झोली में डाल दी है, पिता समान जो है आप।
25 कम कर दो, 25 कम करे तो कितने हो गए? 275 इस बार बहुत महंगा पड़ा ना, अगली बार उधर से लेके आएंगे, 3 रुपए कम देता है एक मीटर के पीछे। चाची जी, अरे रुक्मिणी आओ आओ, दही जमाने के लिए थोड़ा जामन चाहिए था। बैठो अभी देती हूँ। मुरली कहाँ है? सोया है। बैठो बैठो ना। खाना खा लिया तुम लोगों ने? कल आप लोगों को बुरा तो नहीं लगा मैं ऐसे ही चली गई? नहीं नहीं, बुरा तो इस बात का लगा कि बेचारी पर क्या बीती है। क्या हुआ था देवा जी को? सिटी बस में कंडक्टर थे, काम खत्म होने पर घर वापस लौट रहे थे तो बस डिपो में दूसरी बस के नीचे आ गए। ऊपर से तो कोई चोट नहीं दिखाई देती थी लेकिन डॉक्टर कहने लगे सिर को अंदर से चोट पहुंची है। क्या पता, जाने से पहले बोल गए थे तू क्यों मुरली की चिंता करती है, जिससे भी दिमाग है वो कोई भी अपाहिज नहीं। और फिर क्या, उन्हें अस्पताल ले गए, चेची ने मुझे बताया, मैं देखने चली गई, वहां लोग बोलने लगे। पहले थोड़ा थोड़ा बोलता था लेकिन अब जबान बंद हो गई है। जेठ और जेठानी बोले जब से गिर पड़ा है तब से गूंगा हुआ है, भगवान जाने क्या हुआ। फिर बस 8 दिन में खत्म। उनके ऑफिस के लोग बड़े अच्छे थे, भाभी भाभी करके बुलाते थे। उन्होंने कहा भी कि तेरा घर उजड़ गया है, फिर से बसाने के लिए तुझे ऑफिस में नई नौकरी दे देंगे। जेठ जी बोले नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, अब इसकी जिम्मेवारी मेरी। ठीक ही तो है, तुम तो उनकी बेटी जैसी। एक ही घर में रहते थे क्या? नहीं तो, जेठानी जी का घर अलग था, हमें तो इनके कंपनी का घर था। दो बड़े बड़े कमरे, बस दरवाजे के सामने पानी का नल। तो वो सब छोड़ के तुम्हें वहां जाना पड़ा ना? अब आदमी नहीं रहा तो इन सब चीजों का क्या मतलब? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वो सब हमारे यहाँ रहने को आए। इनका अपना घर छोड़ के? छोड़ के मतलब उन्होंने वहां दुकान खोली है ना, किराना वगैरह सब बेचते हैं। तो कंपनी ने उन्हें वहां रहने दिया? जेठ जी ने साहब के सामने गिड़गिड़ाकर इनकी नौकरी ले ली। कहने लगे अब इसे तो मैं ही संभालूंगा, तो नौकरी मुझे ही दे दीजिए, ये अनपढ़ औरत क्या नौकरी करेगी। और उनको ये नौकरी मिल गई? हाँ, मेरे अपाहिज बच्चे का वास्ता जो दे दिया। तो फिर दुकान कौन चलाता है? उनका जितेन बड़ा ही तेज मिजाज है, इसलिए दुकान जेठानी जी ही संभालती है। रुकी बेटी। अरे रुक्मिणी देखो, जामन लेने आई और यहीं पे बैठी हो। बेटा ऐसा नहीं करते हैं, तेरे जेठ जी ने अभी हाथ धोए हैं, तेरे जेठ को कैसा लगेगा है? अगर झूठे बर्तन यहाँ वहाँ पर पड़े रहे तो चल चल उठ जाकर बर्तन मांझ ले और वो बिस्तरा बना देना। और फिर गप्पे मारने यहाँ आई ना तो अपनी मर्जी की रानी तू है, ठीक है ना मैंने मेरी माए? हाँ हाँ। अरे हमारे उनको आधे काम छोड़ कर आना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये भी तो जानती है उनका मिजाज, हाथ उठाने भी कम नहीं करते हैं। अच्छा, इस पर भी हाथ उठाएंगे? इसमें क्या हुआ, हमारा पेट काट कर इसको और इसके बच्चे को नहीं खिलाते हम? अरे बेटी जैसी है तो क्या हक नहीं बनता कि अगर कुछ गलती करे तो हम डांट दे उसे? अरे हमें क्या, इसमें तो इसी की भलाई है। और बेरी माए, तेरी लाड़ी या नानी बहू अगर कुछ गलती कहे तो क्या तू ऐसे उन्हें कहेगी कि तू तेरे मन की रानी है जो चाहे सो कर? नहीं नहीं, ऐसा क्यों करेंगे, तो
तूने बिल्कुल ठीक कहा। बच्चे जब तक दुनियादारी नहीं समझते उन्हें डांटना ही पड़ता है, उन्हीं के भलाई के लिए। देखा, सुना तूने? यही तो मैं कहती हूँ ना हर वक्त। अरे सुन, वो जितेंद्र को भेज देना। अरे तेरा गणेश नहीं आया पिता? अभी आ जाएंगे। ये क्या कर रही हो है? अब कतरियों का भी हिसाब लिखने लगे? हाँ, अरे तुझे मालूम नहीं जमना, हम औरतों ने एक सरकारी मंडली बनाई है कथरी सीने की। क्या, मुझे क्या पागल समझ रही हूँ? यहाँ पे कोई पैसे देकर कथरी खरीदेगा तुम्हारी? अरे हाँ, सच कह रही हूँ। तुझे पता नहीं, एक शहर वाली है जो बेचने का काम करती है, और हम लोगों को घर बैठे मजूरी मिल जाती है। अरे इतनी मांग है हमारी कथरियों की जमना कि हम पूरी भी नहीं कर पाते हैं। अच्छा, तो शहर कौन ले जाता है? वही शहर वाली, वो अपनी मोटर गाड़ी लाती है और ले जाती है। मोटर गाड़ी ले आती है तो काफी मुनाफा होता होगा? होता होगा, उससे हमें क्या, हमें तो घर बैठे अच्छी खासी मजूरी मिल जाती है। तुम तो अनाड़ी औरतें हो। अनाड़ी? वो क्यों? अरे हमारी तो सरकारी पूंजी बन गई है। फिर भी हम तुम्हें अनाड़ी कहूंगी। अरे असली मक्खन तो वो खाई जा रही है। तुम हमारी इनसे बात करके पिपटी पिपटी कर लेना, दुकान भी हमारी है। क्या कह रही हैं आप चाची? ये पिप पिप क्या होता है? अरे व्यापार करने बैठी और पिपटी पिपटी भी नहीं जानती। अरे इसका अर्थ है आधा मेरा आधा तेरा। सहकारी मंडली का तत्व ऐसा नहीं होता। नमस्ते चाची। चाची, इनको तो सहकारी मंडली के सिवा कुछ सूझता ही नहीं है। तू चुप, तुझे नौटंकी के अलावा कुछ सूझता भी है? अरे हाँ, मैं भी तो तुझे तेरे नौटंकी के बारे में ही पूछने वाली थी। अरे नौटंकी नहीं, नाटक, नाटक मंडली। अरे हाँ वही तो। कहाँ है रे तू? सुअर कहीं का? अरे नमस्ते कर, बड़ा बड़े तुझे। ठीक है रहने दो चाची। अरे बेरी माई कह रही थी तेरी नाटक मंडली है? हाँ। कल हमने गांव में पांव भी नहीं रखा तो ये कहने लगा चलो भी शहर वापस चलेंगे, यहाँ पे मन नहीं लग रहा। तो मैं बोली उसे एक बार गणेश की नाटक मंडली में मिला दो, बस वापस जाने का नाम ही नहीं लेगा। क्यों रे बोली ना मैं? हैं? बोल। हाँ, कौन से नाटक में काम किया है? नाटक नहीं, मैं सीन करता हूँ और रिकॉर्ड पे डांस भी करता हूँ। क्या क्या करते हो? हाँ ठीक है चाची। मैं तो इसको कल ही हमारे नाटक मंडली के अड्डे पे लेके जाता। हाँ। फिर हमारे सब लोग देखेंगे इसका डांस। क्या देखेंगे इसका डांस? नाच। अच्छा, नाच देखेंगे। दारी भैया सगे न देखे अपना पराया, बिना सहारे बिना मारे गवा रही थी सर का साया। हम नहीं ऐसा होने देंगे, उसके पीछे डटे रहेंगे। कोई हमें घर लूट न चाहे, हमें बचाए अक्षर चार, काला अक्षर है हथियार। नहीं तो काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस बराबर बराबर।